हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न अभी आई एम शिवानी चौहान क्लास सेवेंथ एसएसटी पीटी वन का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा सॉल्व हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है वन हु मेक मैप्स तो मैप कौन बनाता है कार्टोग्राफर मैप्स बनाता है क्वेश्चन टू है हु कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर तो राजा राज को हम मोस्ट पावरफुल चोल रूलर मानते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट बहुत सारे जैसे कि रोड ब्रिजेस पार्क ये हो गए क्वेश्चन नंबर फोर है व्हेन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड तो पाँच जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है क्वेश्चन नंबर फाइव है विच इज़ डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट तो एनवायरनमेंट के लिए क्या ख़तरा है प्लांट उगाना फसलें पैदा करना है या फिर बढ़ती हुई जनसंख्या तो भाई ग्रोइंग पॉपुलेशन एन्वायरमेंट के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है नेक्स्ट देखते हैं राइट थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स तो इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामोफिक ये तीन टाइप की रॉक्स होती हैं क्वेश्चन सेवन है, question seven है गोल्ड पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ तो ये मिनरल के एग्जाम्पल हैं गोल्ड पेट्रोलियम और कोल क्वेश्चन एट है विच इज कॉज बाय सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ तो देखो सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ तो होता है अर्थ को एक बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए ऑप्शन में जो करेक्ट है वो है वॉल्केो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन मिनिमम एज फॉर कास्टिंग वोट इंडिया में है अट्ठारह साल की एज डिफाइन द टर्म इक्वालिटी इक्वालिटी होता है समानता समानता मतलब होता है कि आप भेदभाव ना करें भेदभाव का ना होना ही समानता है सबको बराबर अधिकारों का मिलना ही समानता है सारे नागरिक बराबर हैं चाहे वो मैन हो वुमेन हो किसी भी तरीके से दो व्यक्तियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा ओ पी डी स्टैंड्स फॉर पेशेंट डिपार्टमेंट अब नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइज एवरी पर्सन एज इक्वल तो बिल्कुल ट्रू है सारे व्यक्ति समान हैं संविधान के नजरों में डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर्स सच वेज एज थ्रू वाटर एयर एक्सेट्रा आई नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज़ तो बिल्कुल सही बात है हवा से पानी से जो बीमारियाँ फैलती हैं उनको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं क्वेश्चन ये देखिए सोशल रीजन का है स्टेटमेंट है ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज बींग ट्रीटेड अनिकोली हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ गलत व्यवहार किया जाता था रीज़न है कि आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ वर्थ एक्सेट्रा तो देखो आर्टिकल 15 ने डिस्क्रिमिनेशन के लिए मना किया है बट ओम प्रकाश के साथ तो भेदभाव होता था तो स्टेटमेंट वन भी सही है टू भी सही है बट जो है असर्शन का जो रीज़न है वो हमारा करेक्ट नहीं है तो एक सेकेंड ए नहीं होगा इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन डी आएगा असर्शन एंड रीज़न दोनों के दोनों सही हैं बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इंडिया में है हर साल इंडिया में लगभग तीस हजार डॉक्टर्स क्वालीफाई होते हैं फिर और इंडिया में जो है बहुत सारा मेडिकल टूरिज्म है यानी कि बहुत सारे देशों से लोग इंडिया में अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है इकोसिस्टम क्या होता है कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन कंजंक्शन विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर एन्वायरमेंट लिविंग और नॉन लिविंग जैसे कि इंसान अपने नॉन लिविंग कॉम्पोनेट जैसे कि हवा पानी के साथ इंटरेक्ट करते हैं यही इको होता है इन वट वे इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरीज तो हिंदुस्तान टर्म का मतलब सेंचुरीज के साथ साथ काफ़ी बदलता गया है कैसे इन टूडेज़ वर्ल्ड टर्म हिंदुइज़म इज़ यूज टू डिनोट इंडिया ड्यूरिंग द थर्टीन सेंचुरी टर्म वॉज यूज बाई मिनाजी सिराज टू डिनोट टू डिस्क्राइब लैंड दैट बिलोंग टू डेली सुल्तान ज्यूरिंग फोर्टीन सेंचुरी द टर्म हिंदी सॉरी टर्म हिंद वॉज यूज बाय अमीर घुसरो टू रेफर द कल्चर तो जो हिंदुस्तान है कभी इसको कल्चर कहा जाता था कभी उसको ये माना जाता था कि भाई ये डेली सल्तनत का जो एरिया है आज हिंदुस्तान हम पूरे देश के लिए इस्तेमाल करते हैं तो so, हिंदुस्तान का मतलब समय के साथ साथ बदलता रहा है वॉट डू अंडरस्टैंड बाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि जितने भी व्यसक अट्ठा अगर हम बात करें अपने देश की तो 18 साल की उम्र से ऊपर का जो भी नागरिक है जिसने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है एज अ वोटर उसको वोट देने का अधिकार होता है नेक्स्ट है हाउ फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड। तो फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन मींडर इरोड साइडवेज एज इट ट्रेवल्स डाउन व्हेन अ रिवर इट्स बैंक इट लीव्स बिहाइंड एलुविनियम सील्ट दीज आर ग्रेजुअली बिल्ड अप टू क्रिएट द फ्लोर ऑफ द प्लेन बेसिकली फ्लड प्लेन क्या होता है बाढ़ आती है फिर वो एल्यूविन सॉइल लेकर के आ जाती है और जब बाढ़ आती रहती है हर साल तो वो सॉइल को डिपॉजिट करती जाती है और वहाँ पर खेती की काफ़ी अच्छी ज़मीन बना देती है पार्ट सी है देखिए वट वर द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विथ चोल टेम्पल्स दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई चोल टेम्पल से कौन सी एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड थी तो वहाँ पे पूजा पाठ तो होती थी, थी इसके अलावा वो इकनो एक, एकुनौ, इकोनॉमिक और कल्चरल हब की तरह भी काम करता था जैसे कि वहाँ पे कुक्स गार्लेंड मेकर स्वीपर्स डांसर्स म्यूजिशियंस ये सारे के सारे जो हैं वहाँ पर होते थे मंदिर में क्वेश्चन ट्वेंटी वन है वट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल सबको हेल्थ का अधिकार कैसे सरकार दे सकती है तो भाई पब्लिक हॉस्पिटल बना दे जिसकी कॉस्ट कम हो मोबाइल क्लिनिक हो जेनरिक मेडिसिन सस्ती दवाइयाँ दी जाएँ इंश्योरेंस किया जाए बेसिक ट्रीटमेंट का नेक्स्ट देखिए एक केस स्टडी है तो व्हाट डू यू मीन बाय जाति पंचायत तो जो जाति इस फॉर्म तो जाति पंचायत क्या थी जाति पंचायत जो थी एक मतलब ऐसा होता है कि कोई जाति है कोई कास्ट है जो भी है उसके जो एल्डर्स होते हैं एल्डर मेंबर्स मिलकर के एक पंचायत क्रिएट करते हैं उसी एरिया की वही जाति पंचायत होती है हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जाति रेगुलेटेड तो अफेयर्स जो होते हैं जाति के वो कैसे रेगुलेट किए जाते हैं वो अपने खुद के रेगुलेशन रूल्स बनाते हैं उनके मेम्बर्स और सब लोग उसको फॉलो करते हैं तो ये आंसर्स हो जाएंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ का ये डायग्राम है तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने पेपर देख लिया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको अच्छे से करके जाइएगा वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसका पी डी एफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा थैंक यू